स्टार्ट करते हैं। देखो नया जो टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में तो समझना इस कॉन्सेप्ट को। क्या बोला मैंने? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या क्या पॉइंट्स हैं कुल मिला के इसमें, ठीक है, जो अपन देखने वाले हैं वो एक दो और इसके अंदर तीन पार्ट आते हैं, फिर ये चौथा पार्ट आता है। तो होता क्या है आपको सुनना। तो मैं इसको पांच पार्ट में कंसिडर करता हूँ। कितने पार्ट कंसिडर करता हूँ? पांच। देखो हो क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के कॉन्सेप्ट को समझना। ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बट हाँ इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन कॉम्बिनेशन विद सम क्वेश्चन। मे बी छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन में पूछा जाए, बट इट विल बी आस्क्ड। मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या आईएफआर दोनों में से कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा। इट इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सुनिए, जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, जब अपन बात करते हैं आईएफआर के बारे में, तो सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं मैं, ढंग से समझना। होता यह है, इस एंट्रीज को अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट से खुद एंट्रीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप अपने को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैंने वर्ड क्या यूज करा सुनो, इन्वेस्टमेंट खरीद रखे आपने। क्या खरीद रखे आपने? इन्वेस्टमेंट खरीद रखे। क्या खरीद रखे? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदे ना, उसमें दो चीजें आती है, एक उसकी मार्केट वैल्यू आती है, एक उसकी बुक वैल्यू आती है। एक उसकी मार्केट वैल्यू आती है, बुक वैल्यू आती है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो उसमें लिखा होता है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू का मतलब होता है जो मार्केट में उसकी करंटली प्राइस चल रही है उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मार्केट वैल्यू। तो व्हाट डू यू मीन बाय बुक वैल्यू? बुक वैल्यू मींस द वैल्यू व्हिच इज रिटन, ठीक है, व्हिच इज रिटन इन द बुक, एंड मार्केट वैल्यू इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब कोई जब नया पार्टनर आता है तो वो बोलता है भाई मेरे को बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, मेरे को बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, मेरे को तो किससे मतलब है? मार्केट वैल्यू से। समझ रहे हो? जब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं तब से मार्केट वैल्यू को कंसिडर करो ना। तो इसमें होता क्या है, केसेस क्या बनते हैं वो सुनो। केसेस ये बनता है, पहला केस ये बनता है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर है। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे 1 लाख के, अजम्पशन लेते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट 1 लाख के खरीदे, आज भी 1 लाख के हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई फर्क आए उसके लिए हम लोग बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाते हैं ना हम लोग, उसको एडजस्ट करते हैं, उसमें से प्रॉफिट को अप डाउन कर लेते हैं, उस रिजर्व में से हम लोग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को टच भी नहीं करते। तो पार्टनर्स ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन होती है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूटिलाइज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फॉर द सेम। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मींस इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, व्हाट आई सेड, इट इज पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट सेपरेटेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में अलग करा प्रॉफिट के हिस्से को, सो दैट दे कैन यूटिलाइज, ठीक है, किस चीज के लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज करने के लिए। मतलब वर्ड क्या यूज करा कि भैया कल को अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में फर्क आ गया इन्वेस्टमेंट की, तो हमें हमारे प्रॉफिट्स को कम नहीं करना, पीएनएल में नहीं दिखाना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से यूटिलाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। किसने बनाया था आईएफआर? पुराने पार्टनर्स ने बनाया। किसने बनाया? पुराने पार्टनर्स ने बनाया। तो बेटे क्या करेंगे? पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे। क्या बोला मैंने? पुराने पार्टनर्स को, जो पूरा आईएफआर है पुराने पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। क्या बोला मैंने? जो आईएफआर बचा हुआ है पुराने पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन है, उस दूसरी सिचुएशन में तीन सिचुएशन बनती है। कि आईएफआर जो आपने बुक वैल्यू बना रखी है, बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में फर्क है। क्या बोला मैंने? बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में फर्क है। तीन चीजें बनेगी, आप सोचना, या तो बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में कोई फर्क नहीं होगा, दूसरी सिचुएशन बनेगी कि बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में फर्क है, और बुक वैल्यू मार्केट प्राइस में बुक वैल्यू ज्यादा और मार्केट प्राइस कम, और तीसरी सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट प्राइस ज्यादा और बुक वैल्यू खत्म। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो तीन सिचुएशन हो सकती है। क्या क्या तीन सिचुएशन हो सकती है? पहली सिचुएशन क्या है? बुक वैल्यू ज्यादा मार्केट वैल्यू कम। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन हो सकती है बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? कि बुक वैल्यू कम मार्केट वैल्यू ज्यादा। समझ गए? तो पहली सिचुएशन तो अपन ने देखी। दूसरी सिचुएशन जो मैं बोल रहा हूं ना, जहां पे क्या है, बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू कम है। बुक वैल्यू ज्यादा हो गई, मार्केट वैल्यू कम हो गया। बुक वैल्यू ज्यादा और मार्केट वैल्यू कम का मतलब क्या हुआ? इस दूसरी सिचुएशन में तीन सिचुएशन बनती है, समझना। आईएफआर कितना बनाया आपने, ऐसा समझो IFR कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000। कितना है? 20,000।
बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में सुनना। आपने इमेजिन किया, आपने एक अजम्पशन लिया, क्या अजम्पशन लिया वो देखो। बुक वैल्यू आपने अज्यूम करी 1,00,000 रुपए, मार्केट वैल्यू आपने अज्यूम करी 3। क्या क्या मार्केट वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं अपन? 3। क्या क्या 3 अज्यूम कर रहे हैं मार्केट वैल्यू, वो सुनो। या तो मैं मार्केट वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं 90,000, 80,000 और 70,000, और आईएफआर कितना है 20,000। आईएफआर कितना है 20,000। सिचुएशन समझ आ रही है आप लोगों को? सिचुएशन क्या है? बुक वैल्यू 1,00,000 है, समझ गए? बुक वैल्यू 1,00,000। पहली सिचुएशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि मार्केट वैल्यू भी 1,00,000 है, तो वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, पूरा का पूरा आईएफआर पार्टनर्स के बीच में बांट दिया था। तो एंट्री कर दी थी, आईएफआर किसको गया? पार्टनर्स को। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन है कि बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है? 1,00,000 है ना, बुक वैल्यू कितनी है? 1,00,000। मार्केट वैल्यू होगी 90,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई? 10,000 से कम हो गई। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो कहां से कम करेंगे? आईएफआर से कम करेंगे। आईएफआर बनाया क्यों है? इसी पर्पस के लिए तो बनाया है। आईएफआर क्यों बनाया अपन ने? इसी पर्पस के लिए तो बनाया कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में फर्क आ जाए तो हम प्रॉफिट्स को ना छेड़े, हम आईएफआर में से उसको एडजस्ट कर लें। समझ रहे हो? किसमें से एडजस्ट कर लें? आईएफआर में से एडजस्ट कर लें, प्रॉफिट्स को ना छेड़े। सर ऐसा क्यों करते हैं? इसका क्या लॉजिक है सर? ऐसा क्यों नहीं छेड़ते प्रॉफिट्स को? अरे क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? तो अगर आप इनको छेड़ोगे ना और इनसे आपके प्रॉफिट्स कम हुए तो आप रियल प्रॉफिट नहीं पता लगा पाओगे कि आपके बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हो? आपने नॉन ऑपरेटिंग आइटम सुना है ना, तो इसका जो लॉस है दैट विल बी नॉन ऑपरेटिंग लॉस, और नॉन ऑपरेटिंग लॉस होने की वजह से आपके प्रॉफिट्स अचानक से कम हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को अलग ही रख दो एक बार के लिए, मत छेड़ो उसे, एक्चुअल प्रॉफिट्स का पता लगने दो कितना कमाया हमने। समझ पा रहे हो? इसीलिए इस पर्पस के लिए क्या करते हैं, अलग से आईएफआर बना लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता लगे कि इन्वेस्टमेंट पे हम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। हर साल 4 साल तक पता लगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी। आईएफआर से एडजस्ट करो ना, पता लग जाएगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? ओके, तो इसमें इन्होंने बोला कि बुक वैल्यू 1,00,000, मार्केट वैल्यू 90,000। बुक वैल्यू 1,00,000 है, मार्केट वैल्यू कितनी है? 90,000 है, तो 10,000 से वैल्यू कम होगी। कहां से एडजस्ट करेंगे? आईएफआर से। तो एंट्री करेंगे आईएफआर अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू कितनी सी कम इन्वेस्टमेंट की?